एबीपीएस न्यूज़। एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद बदायूं के ब्लॉक इस्लामनगर में स्थित मियापुर दियोरा गांव पड़ा। वर्तमान में गांव के प्रधान किशनवीर सिंह यादव हैं। लगभग 4000 की आबादी वाली यह ग्राम पंचायत जिला मुख्यालय से 60 किलोमीटर दूर, तो वहीं ब्लॉक से इस गांव की दूरी मात्र 8 किलोमीटर ही है। लगभग 1700 वोटर वाला यह गाँव विकास के पथ पर अग्रसित है। गाँव में लगभग 300 राशन कार्ड धारक है। बात अगर शिक्षा के स्तर की जाए तो गाँव के जूनियर एवं प्राइमरी स्कूल में लगभग 200 छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं। गांव में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 40 हैंडपंप गांव के प्रधान द्वारा लगवाए गए हैं तथा 30 हैंडपंप सरकार से और लगवाने की मांग है। इसी के साथ ही विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 150 विद्युत पोल, 5 विद्युत ट्रांसफार्मर व 9 सोलर लाइटें भी गांव में लगवाई गई हैं। बात अगर विकास कार्यों की जाए तो वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में 2 सीसी टाइल्स रोड, 6 खडंजे, पानी निकासी के लिए नाला, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास व स्वच्छ भारत मिशन के तहत 63 शौचालयों का भी निर्माण कराया गया है। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान ने गांव में सीसी टाइल्स रोड, बारात घर, पंचायत घर, शमशान घाट, कब्रिस्तान की बाउंड्री, जूनियर हाई स्कूल का गेट व बाउंड्री, स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय व प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवासों के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। हाँ, मैं किशनवीर सिंह प्रधान, ग्राम पंचायत मियापुर द्योरा, ब्लॉक इस्लाम नगर, तहसील विसौली, जनपद बदायूं। मेरी ग्राम पंचायत में जो अब तक पैसा मिला वो ईमानदारी से मैंने लगाया है। कुछ कच्ची सड़कें थी, गलियारे जो बने नहीं थे वो मैंने खरंजा कराए, कुछ सीसी कराई और कुछ कार्य अभी ऐसे अभी रह गए हैं जो उसको अधिक पैसा चाहिए जो मैं कार्य करा पाऊँ। गाँव में कुछ पेंशनें रह गई हैं अभी बनने के लिए, प्रधानमंत्री आवास बनने के लिए रह गए हैं, कोई भी अभी तक एक भी आवास नहीं आया है। दूसरी चीज़, मेरी ग्राम पंचायत में गरीब जो तबका के लोग हैं उनको कुछ सहूलियतें मकान आवास प्रधानमंत्री आवास के तहत दी जाएं। अन्यथा दूसरी चीज़ें ये हैं कि एक वर्ष में जब से ये सरकार बनी है अभी एक किस्त दो बार में भेजी गई है। धन न आने के कारण बहुत से विकास कार्य बाधित हैं। गांव में पंचायत घर नहीं, बारात घर नहीं, शमशान भूमि का सौंदर्यीकरण नहीं हो पाया है, कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल नहीं हो पाई है, कर्म भूमि जहां दसवां संस्कार होता है उसकी बाउंड्री वॉल सौंदर्यीकरण होना चाहिए, युवक मंगल दल की बाउंड्री वॉल होनी चाहिए। कुछ लोग जो हैं ग्राम समाज की भूमि पर अवैध कब्जा कर रखा है, वो हमारी ग्राम समाज की भूमि को मुक्त कराएं, कब्जा मुक्त कराएं और गांव में अधिक से अधिक पैसा भेजा जाए जिससे हम विकास कार्य और गांव की शुद्धिकरण को करवा सकें। और वैसे गांव में सभी मिलजुल से रहते हैं, हम सभी का न्याय करते हैं, गांव में ही फैसले अधिक से अधिक कराते हैं, थाने दरबार जाने नहीं देते हैं।